हमारे यहाँ चतोला मिला है 18, 19, 20 को। ये ईश्वर भाई दिखा रहे हैं, इस बार नया डोला चलने वाला है। ये हमारे चम्मू देवता को इस बार नया डोला चढ़ेगा। ये वाला नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों होली की धूम खत्म हो चुकी है, अब लगभग सभी जगह शांति है, लोग अपने डेली रूटीन के कामों में लौट चुके हैं। और होली के दौरान ही हमारे गांव में कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, तो आज मैं वहीं पे संवेदना प्रकट करने जा रहा हूँ। तो अभी नाना धोना ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो चलते हैं, थोड़ा गांव घूम के आते हैं। आज हमारे गांव चमदेवल निकल चुका है। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और अब स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ से गाड़ी देखते हैं। कोई ये रोड है दोस्तों, पिथौरागढ़ टनकपुर वाली, कई बार दिखा चुका हूँ आपको। और वो सामने है अपना टैक्सी स्टैंड, तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। तो भाई अपनी गाड़ी की व्यवस्था हो गई है, ये वही फिर अगेन वही मैक्स है अपनी, जवाई जी की, इसी में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जाम लग गया है, NH-09 पूरी तरह से बाधित हो गई है यहाँ पे। A few moments later. कुछ देर इंतज़ार के बाद में फाइनली हमारी सवारी पूरी हो गई और अब हम लोग निकल पड़े अपने गांव चमदेवल न्योल टुकड़ा। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं दुधारी थान मंदिर, यहाँ पे भी मेले का आयोजन होता है। और लोहागढ़ से दोस्तों चमदेवल की दूरी कही जाए तो लगभग 20 किलोमीटर है। और चमदेवल प्रसिद्ध है अपना चैतोला मेले के लिए, क्योंकि तो अभी होने वाला है कुछ दिनों में, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, वो भी हम जायजा लेंगे वहाँ पर। और इसी बीच हम लोग पहुँच गए हैं पुलंडौला, पुल्ला भी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ यात्रा में थोड़ा विलंब हो गया है पुल्ला में, बिकॉज हम लोग यहाँ भी वेट कर रहे हैं पैसेंजर्स का, जो यहाँ कुछ काम से उतरे हैं, कुछ मिठाई ले रहे हैं, कुछ लोग बैंक में गए हैं। जैसे ही वो आते हैं फिर आगे को बढ़ेंगे। सवारियों के आते ही हम लोगों ने अपना चमदेवल का सफ़र आगे को शुरू किया। अभी हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं ये पुल्ला से बाईपास है, अदरवाइज़ हम नीचे अभी उसी रोड में जाके मिलेंगे जो कि हमें पकड़ना चाहिए था, बट कुछ काम होने की वजह से हमें पुल्ला जाना पड़ा। तो अब हम वापस उसी रोड पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से सीधा हमें चमदेवल में ये रोड ले जाएगी। फाइनली हम लोग चमदेवल पहुंच चुके हैं, लगभग पुल्ला से 15 मिनट का हमें समय लगा यहाँ पहुंचने में। तो भाई ये चैतोले मेले की तैयारी होते हुए ये गेट तैयार हो गया है। ये बाल्टियां भी अंदर डाल रखी हैं। तो चैतोले मेले के लिए यहाँ पे तैयारियां अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई हैं। हम लोग दर्शन करते हैं मंदिर का। क्या डाल रहे हैं मतलब? तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और मुख्य शिवलिंग के दर्शन करें जो कि पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि मंदिर का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा,
बट यह मंदिर मुख्य रूप से शिव जी को ही समर्पित है और यह जो शिवलिंग है ये पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी दर्शन कीजिए और कृतज्ञ होइए। तो भी रोशनदान मनवाया है यहाँ पे, को धुआं हो जाता है हवन का। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। ये हमारे ईश्वर भाई हैं, ये अभी बता रहे हैं मुझे कि ये मेरी जमीन है, ये वाली जो ये है, यहाँ से लेके ये खेत है और ये यहाँ से होते हुए वो लास्ट कोना है, यहाँ तक है अपनी जमीन, मतलब ये खेत मेरा है। इसमें अदरक लगी है अभी। जय हो चुका। ये नंदी महाराज का मुंह बाहर को क्यों कर रखा है वाले? जय भोलेनाथ। ये ईश्वर भाई दिखा रहे हैं, इस बार नया डोला चलने वाला है। बाबा हो गया, ठीक है इतना ही। ये हमारे चम्मू देवता को इस बार नया डोला चढ़ेगा, ये वाला ना। तो सबने मिलके चंदा किया था इसके लिए, चंदा ही कहते हैं ना। तो ये है वो डोला जो आज पेंट ईश्वर दान ने किया है। 19 को नीचे जाएगा शाम को ऊपर। तो ये ढक के रखा है अभी। इस बार दोस्तों जो चैतोला मिला है वो 19 को नीचे थोड़ी जाएगा। हमारे यहाँ चैतोला मिला है 18, 19, 20 को, जो 3 दिवसीय मेला होता है जो। लेकिन समस्या क्या है, हाँ मेन 19 को है, लेकिन उस दिन क्या है कि उस दिन इलेक्शन भी है हमारा लोकसभा का, तो पहला चरण में यहीं पे हो रहा है चुनाव और हमारा मेला भी है, तो उस दिन तो गाड़ी वाड़ी बंद होगी, पता नहीं क्या होगा, बड़ी समस्या हो गई है। हाँ यहाँ मतदान केंद्र भी यहाँ से शिफ्ट किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी आसार कम है, भीड़ भाड़ के आसार कम ही होंगे, लेकिन भक्तगण देखो आएंगे तो सही, लेकिन यार हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम लोग तो बाहर से आते हैं ना। तो ये तो एकदम नेपाल बॉर्डर पे है ये, तो इस वजह से सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो जाती है यहाँ पे। क्यों सर? तो देखो क्या होता है, एक दिन तो मैं आऊँगा ही पहले दिन, दूसरे दिन का कोशिश करेंगे अगर हो पाएगा तो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप लोगों के लिए वीडियो तो लानी होगी, वहाँ की ब्लॉग दिखाना ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ जहाँ मैं आया हूँ श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये धर्मशाला है, इसमें कोई रहता है क्या? और ये क्या है, ये क्या है धर्मशाला है भी? अच्छा। और ये पेड़ है पता नहीं कितने सालों का, कितने साल हो गए होंगे उसको, हजारों साल पुराना पेड़ है, कुछ पता ही नहीं है, बूबू के पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने देख लिया है, हजारों साल होगा इस पेड़ की उम्र। ये हमारी परिवार के सबसे बुजुर्ग महिला हैं, मेरी मम्मी से भी बड़ी हैं, इनकी बचिया। अबे चल बाघ जैसा क्या कर रहा है तू? ये ताई जी हैं, इनका मकान है, पहले हमारा पुश्तैनी मकान होता था यहाँ लकड़ियों का। A few moments later. तो दोस्तों यहाँ पे मैं मिल चुका हूँ फैमिली के साथ में, जिनके यहाँ मैं आया था, और यहाँ पे भी चल रही है खाने की तैयारी। दाल पतली है कैसो? तो दोस्तों यहाँ पे जो खाना चल रहा है, तो परंपरा के हिसाब से जो लोग नीचे पानी देने जाते हैं गाड़ में 13वीं तक, तो उन सभी लोगों को यहाँ खाना खिलाया जाता है। तो ये मॉर्निंग का हो गया है, दोपहर का, और एक शाम को खाना होगा, तो 13वीं तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो भाई ये है कुछ प्रथा यहाँ पे, गरीब आदमी के लिए बड़ी भारी पड़ जाती है क्योंकि 2 टाइम खाना खिलाना पड़ता है गाँव वालों को, एक एक आदमी भी हो तो, काफ़ी परिवार है हमारे यहाँ, तो मॉर्निंग में खिलाते हैं एक बार गार्ड से आने के बाद, फिर एक बार शाम का खाना होता है, तो गरीब आदमी के लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, फ़ोन आ गया मुझे वहाँ से। हमारे गांव में अभी
ये पाइपलाइन बिछी है यहाँ पे, तो पूरा तोड़ दिया गया है, शायद मेले तक ठीक कर देंगे शायद। मैं गांव से वापस चमदेवल स्टेशन में पहुंच चुका हूं। वो सामने अपनी गाड़ी लगी हुई है और गेट भी खुला हुआ है। देखते हैं ड्राइवर साहब कहाँ हैं। ये सामने ही होंगे। यहाँ पे गैम्बलिंग चल रही है, सारे अपने ड्राइवर भाई लोग यहाँ दुकान में बैठ के गैम्बलिंग कर रहे हैं। A few moments later. तो भाई मैं पहुंच चुका हूं लोहाघाट। अब जा रहा हूं अपने घर की तरफ, सब्जी लेने गया, वहां बहुत भीड़ हो रही है, कॉल करके मंगवा लूँगा। तो चलिए अब घर को बढ़ते हैं। तो गाइस हम अपने घर पहुंच चुके हैं, बट यार अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ खाना वाना नहीं बना रखा है इन्होंने, लंच कुछ नहीं है तैयार। भूख लगी है बहुत ज़ोर की, 2:15 बज गए लगभग। तो अभी मैंने ध्रुव को भेजा है शॉप में कुछ स्नैक्स ले आएगा, समोसा वमोसा, तो चाय समोसा करते हैं अभी। अब डिनर ही होगा रात को, तो अभी उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। आज काफ़ी गर्म हो रहा है दोस्तों, ये देखिए बाहर का मौसम का सूरत हाल, होली के बाद से काफ़ी चेंज हो गया मौसम। तो दिव्यांश जी विजयी मुस्कान के साथ वापसी करते हुए, दिव्यांश जी लेके आ गए हैं समोसे। चलो लाओ भाई प्लेट, लाओ प्लेट तो लाओ बेटा, पहले प्लेट में निकालो ना। तो दिव्यांश जी खाली करते हुए चटनी को, दिस इज द सेकेंड चटनी, मिर्च वाली होगी ना। गर्मा गर्म समोसे देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इन समोसों को और इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।